कुछ नहीं तो घर के दरवाजे पर थोड़ा पानी छींटना। तुम ये तो नियम बना सकती हो ना कि मैं घर में से पानी लूंगी मटके में से परिंडे में से और घर के बाहर छींटूंगी। क्या होता है मटके का पानी बाहर छींटने से परिंडे का पानी बाहर छींटने से? तो गरुण पुराण के अंतर्गत लिखा है तृतीय अंश के अंदर कि हमारे घर का जो मटका होता है वो मटका परिंडा कहलाता है। परिंडा का मतलब होता है पितरों का स्थान। हम उसमें से जब पानी लेकर घर के दरवाजे पर छींटते हैं तो हमारे द्वार पर जितने भी पितर रात्रि भर में आकर भोजन की याचना करते हैं उस जल से उनकी तृप्ति हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिंड देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो उससे तृप्त हो जाते हैं मात्र जल का सिंचन करने से, मात्र जल का सिंचन कर देने से। आप कोई नियम मत बनाओ। एक नियम तो बना सकते हो कि पानी बाहर छींटूंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं परिंडे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं दरवाजे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि एक चावल का दाना मैं प्रतिदिन शंकर जी को चढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं केवल एक दाना मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी। नियम बनाओ, कुछ एक नियम बनाकर चलो, आपकी जिंदगी की सार्थकता उसमें प्राप्त होगी। भगवान सामने आकर खड़े हो जाएंगे, सम्मुख में आकर। नियम आपका होगा, पूरा उसको करना होगा, पूरा उसको करना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। जरा जरा सी बात में हम लेकर बैठ जाते हैं, हम अगर ऐसा करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा करेंगे तो चार लोग क्या। अरे चार लोग एक ही चीज कहेंगे और वो आखिरी में कहेंगे राम नाम सत्य है, उसके सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। और चार लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे तो आगे का जीवन बिगड़ जाएगा। क्या किसको रोइए, बोलो जम के चादर तान के